देखिए इनका क्वेश्चन है, सर मैं हिंदी ऑनर्स हूँ, ग्रेजुएट हूँ और मैं बीएड करना चाहती हूँ, और कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा? इधर चलते हैं डिटेल में, जो क्राइटेरिया बना रखे हैं मैंने। फर्स्ट है ऑनर हिंदी, HINDI, है ना, यहाँ मैंने ऑनर लिख लिया, ऑनर ऐसे लिख देते हैं। तो आपका एक तो पैडागॉजी सब्जेक्ट, ये मेजर आपको यूनिवर्सिटी देगी कि पैडागॉजी ऑफ हिंदी मेजर सब्जेक्ट आपको मिल गया, मेजर। ओके, दूसरा सब्जेक्ट आपने लेना है माइनर, लेकिन माइनर अभी है, बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ये तो आपका पक्का हो गया, इसमें आप एलिजिबल हो। दूसरा मुझे ये नहीं पता, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, जब आप मुझे बताइए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी करना चाहते हो, ये पोस्ट ग्रेजुएशन इसका उत्तर है। दूसरा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आप किसके टीचर दूसरे नंबर पर बनना चाहते हैं, इंटरेस्ट आपका किस में है, आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज है ना। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके कोई सोशल साइंस है जिसमें नंबर ज़्यादा हैं, ये आप सोच सकते हो। तो आपके लिए मैं हिंदी के साथ दूसरा नहीं, आपको अभी तो मिल जाएगा, हिंदी के साथ आपको पंजाबी भी मिल जाएगा, ये बहुत रेयर होता है, हिंदी के साथ आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा अगर आपने एक साल पढ़ी है, लेकिन ये वाले बाद में आपको बीए के एडिशनल पेपर देने पड़ेंगे 3 साल के, जो 6 महीने में हो जाते हैं, 7 महीने में वैसे हो जाते हैं, 8 महीने में हो जाते हैं। उसका पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का वीडियो है, लिंक नीचे होगा, नहीं तो सर्च करके एक बार देख लीजिए। तो ये आप अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, साथ साथ में ही कर सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पॉज करके रुक जाओ, सुनो मैंने क्या कहा, कि अगर आप हिंदी ऑनर हो, आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हैं, हाँ गुरु नानक में, दूसरों में भी शायद हो, मुझे क्लियर नहीं है, पंजाबी में पक्की बात है, उनके इंक्वायरी सेल वालों ने, जो मिस्टर विशाल कौशल जी हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया कि हाँ साथ साथ में बच्चे कर सकते हैं। तो आप अगर ऑनर हैं, आपने इंग्लिश ले लिया है साथ में, तो इंग्लिश का एडिशनल दे सकते हो, अगर पंजाबी इसके साथ ले लिया तो उसका दे सकते हो। इसके अलावा आप अगर साथ में ये कॉम्बिनेशन ले लिया और ये एडिशनल पेपर दे दिया, तो बीएड करने के बाद हिंदी और इंग्लिश या हिंदी और पंजाबी, इसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। अगर ये ऑप्शन लैंग्वेज का फायदा ये है कि लिटरेचर के कुछ कंसेप्ट ओवरलैप करेंगे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये फायदा है। तो अगर आपने स्ट्रीम थोड़ी सी चेंज करनी है, तो आप सोशल साइंस सोच सकते हो, ठीक है, TGT के लिए यही बचता है, TGT के लिए सोशल साइंस ही बचेगा। सोशल साइंस के लिए आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे एडिशनल, एक तो उसमें हिस्ट्री होना चाहिए, दूसरा इजी जो कह सकते हैं पॉल साइंस है या सोशियोलॉजी, और भी हैं लेकिन स्कूल सब्जेक्ट है, इनमें से ही आप एडिशनल पेपर दीजिए। पर आपको अगर ऑनर के साथ SST मिल रहा है तो ले लीजिए, अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो। नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मिल जाएगा, अगर आपने सोशल साइंस का एक साल में कुछ पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस ऐसा कुछ पढ़ा है। अगर नहीं कुछ पढ़ा तो आपको ये नहीं मिलेंगे, फिर आपको लैंग्वेज ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, जो मैं पीछे बता के आया हूँ। और उसके बाद आप बीएड करने के बाद आप 2 ये एडिशनल पेपर दीजिए, साथ में भी दे सकते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हैं तो अगर 2 पेपर दे देते हो, बाद में फिर बीएड का एडिशनल पेपर दीजिए इसके बाद, वो है पैडागॉजी ऑफ SST, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आपका इंटरेस्ट किस में है ये डिपेंड करेगा, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि एडिशनल पेपर 3 साल के हैं, इलेक्टिव हैं, यहाँ TGT के लिए एलिजिबल हो, ये भी TGT के लिए एलिजिबल हो, ये भी TGT के लिए एलिजिबल हो। अगर आप MA करते हो साथ में हिंदी की, तो आप हिंदी की आपको ज़रूर करनी चाहिए, तो आप PGT हिंदी की जरूर के लिए भी एलिजिबल हो, आपको MA हिंदी पहले करनी चाहिए, ये मैं स्ट्रेस करूँ क्योंकि आपका एरिया है। तो दैट इज़ ऑल, थैंक यू, नीचे नंबर दिए गए हैं, वहाँ फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्सेल।